बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बहुत पुरानी है और हाल में ही हुई घटनाओं के बाद ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बाबा सिद्दीकी सलमान के दोस्त भी थे और कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। इसी बीच अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज आया है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया था। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज मिला। इसमें एक्टर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज में यह भी लिखा गया है कि इसको हल्के में ना ले, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू भी कर दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सलमान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि एक आरोपी को हरियाणा के पानीपत से अरेस्ट किया है। शख्स का नाम सुखा है, वो बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर और उसे नवी मुंबई लाया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई के इस शार्प शूटर को पानीपत से गिरफ्तार किया था। सुखा ने साल 2022 में लॉरेंस और गोल्डी ब्रार के इशारों पर मुंबई में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी की थी। रेकी के बाद सलमान पर अटैक सुखा को ही करना था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। बिश्नोई के शूटर्स ने साल 2022 में सलमान को मारने के लिए फार्म हाउस की कई बार रेकी की थी, लेकिन हमले का प्लान फेल हो गया था। शूटर्स ने फार्म हाउस के गार्ड तक से दोस्ती कर ली थी। वहीं सलमान खान से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि एक्टर का परिवार और उनके दोस्त भले ही बहादुरी दिखा रहे हों, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा परेशान और डरे हुए हैं। वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस इस मामले से जुड़े असली अपराधी को पकड़ लेगी। सलमान खान से जुड़े लोगों का मानना है कि पब्लिक को जितना बताया जा रहा है, असल में मामला उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को मिली धमकी पर सूत्र ने कहा था कि जाहिर है कि लॉरेंस ने इस सब की जिम्मेदारी ली है, लेकिन कईयों को लग रहा है कि किसी बड़ी साजिश को छुपाने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। क्या किसी के लिए जेल से ये सब करना इतना आसान है? साथ ही कोई सलमान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी पर हमला क्यों करेगा? इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सलमान ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि उन्होंने अपने घर के बाहर हमला करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक किया है और ये काम उन्हें और उनके परिवार में लोगों की हत्या के इरादे से किया गया था। सलमान का बयान उस चार्जशीट का हिस्सा भी है जो पुलिस ने इस मामले में फाइल की है। सलमान ने बताया था कि जनवरी 2022 में दो अज्ञात लोगों ने नकली आइडेंटिटी के जरिए पनवेल के पास उसके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से बाबा सिद्दीकी के हत्या होने के बाद सलमान खान को फिर से धमकी आई है कि 5 करोड़ रुपए दे दो, वरना तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। वहीं अब इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।